यूपी उत्तराखंड में बीते दिनों हुई बारिश के बाद लगातार नदियों का जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर है, तो वहीं नेपाल से लगभग 6 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद घाघरा नदी खतरे के निशान से लगभग 64 सेंटीमीटर ऊपर, तो सरयू नदी लगभग 55 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। करनैलगंज तहसील क्षेत्र के लगभग कई मंजिले बाढ़ से प्रभावित हैं, तो दूसरी तरफ तरबगंज तहसील क्षेत्र के लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। दोनों तहसीलों को मिलाकर लगभग 18,000 की आबादी प्रभावित है और 4,000 हेक्टेयर फसल प्रभावित है। लोगों की सुविधा के लिए नाव की व्यवस्था करा दी गई है। जहाँ बांध की में कटान हो रही थी वहां संबंधित विभाग को बांध को सुरक्षित करने के लिए निर्देशित कर दिया गया है। जिला प्रशासन लगातार चौकसी बनाए हुए है। उप जिला अधिकारी के साथ अन्य अधिकारी लगातार बांध का निरीक्षण कर रहे हैं। बीते दिनों जो बारिश हुई उसमें जिले की घाघरा और सरयू नदी में जल स्तर बढ़ा है। घाघरा नदी का जल स्तर खतरे के निशान से 64 सेंटीमीटर ऊपर बह रहा है और सरयू का जल स्तर 55 सेंटीमीटर खतरे के निशान से ऊपर है। हमारी मुख्यतः से दो तहसील प्रभावित हो रही हैं, जिसमें तरबगंज और करनैलगंज तहसील प्रभावित हुई है। 16,000 की जनसंख्या और पशु प्रभावित हुए हैं। लगभग 4,000 हेक्टेयर फसल प्रभावित हुई है। समूचे नाव लगा दी गई है। प्रशासन अलर्ट है। जहां आप बांध में कुछ दिक्कतें आई थी उसको नियंत्रण में ले लिया गया है। दोनों तहसीलों की अनुमानित जनसंख्या 17-18 हज़ार के करीब है। ढेमवा घाट के पास सड़क में कटान लगी थी कि उसकी जानकारी थी। जल स्तर जो है 64 सेंटीमीटर खतरे के निशान से ऊपर चल रहा है और सरयू का सुबह 55 सेंटीमीटर ऊपर चल रहा है। हमारी दो तहसीलें मुख्यतः प्रभावित हुई, तरबगंज और करनैलगंज। और तरबगंज में ज़्यादा गांव प्रभावित हुए हैं 18, वहाँ की लगभग 16,000 जनसंख्या और पशु 1210 और कृषि लगभग 4,000 हेक्टेयर प्रभावित हुई है। नावें लगा दी गई हैं, प्रशासन अलर्ट है और बंधे में कुछ दिक्कतें आई थी उनको नियंत्रण में ले लिया गया है। दोनों की तहसीलों की अनुमानित जनसंख्या 17,669 है। गांव वालों का आरोप है कि कोई भी नाव नहीं लगाई गई है, कोई देखने नहीं है। तहसीलदार गए हैं, मैं भी करनैलगंज साइड में गया हूं अभी और जाऊंगा आज ही, और तहसीलदार से मेरा एक्सटेंशन निरंतर संपर्क है। वहां नावें लगाई गई हैं, हो सकता एक स्थान पर बांध पर न दिखाई पड़ रही हूँ मगर लगाई गई।